बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गुरु नानक साहब के गुरपुरब की एक छुट्टी है पूरे साल के जे मैं गल करा सिख धर्म के नाल संबंधित तो केवल इको छुट्टी होंगी सी जी गुरु नानक साहब के गुरपुरब की सी और बिहार सरकार वालों उस छुट्टी खत्म कर देना ये कह के कि सरकारी काम का ज़्यादा हो मैं समझदा बहुत मंदभागी गल है। नीतीश कुमार जी जिन्हां नूं केंद्र सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गुरपुरब मनाउण दी इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती सी और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल गुरपुरब मनाया जिन्नियां संगतां उत्थे गईयां उन्हां दा बहुत उन्होंने आओ भगत की बहुत वधिया अरेंजमेंट किए और सिख बड़ा इस गल का माण महसूस करते कि नीतीश कुमार जी ने सिखां दे प्रति बड़ा वड्डा एहसान है उन्हां दा। लेकिन ये गल अज जो छुट्टी कैंसल करनी ये मैं समझदा कि उस इस दे उत्ते उन्होंने दोबारा विचार करनी चाहिए है तुरंत क्योंकि गुरु नानक साहब एक कोई सिख धर्म के गुरु नहीं है ये इन्हों सारी दुनिया मनती है देशों विदेशों के सारी दुनिया हर धर्म के लोग गुरु नानक साहब न अपना पैगंबर मानते हैं। सो मैं समझदा कि यह डिसीजन बिहार सरकार का बिल्कुल गलत है और इस दे उत्ते उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके और इस नूं चेंज करना चाहिए और गुरु नानक साहब के गुरपुरब की छुट्टी जी एज़ इट इज़ बरकरार रहनी चाहिए है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गुरु नानक साहब के गुरपुरब की एक छुट्टी है पूरे साल के जे मैं गल करा सिख धर्म के नाल संबंधित तो केवल इको छुट्टी होंगी सी जी गुरु नानक साहब के गुरपुरब की सी और बिहार सरकार वालों उस छुट्टी खत्म कर देना ये कह के कि सरकारी काम का ज़्यादा हो मैं समझदा बहुत मंदभागी गल है। नीतीश कुमार जी जिन्हां नूं केंद्र सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गुरपुरब मनाउण दी इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती सी और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल गुरपुरब मनाया जिन्नियां संगतां उत्थे गईयां उन्हां दा बहुत उन्होंने आओ भगत की बहुत वधिया अरेंजमेंट किए और सिख बड़ा इस गल का माण महसूस करते कि नीतीश कुमार जी ने सिखां दे प्रति बड़ा वड्डा एहसान है उन्हां दा। लेकिन ये गल अज जो छुट्टी कैंसल करनी ये मैं समझदा कि उस इस दे उत्ते उन्होंने दोबारा विचार करनी चाहिए है तुरंत क्योंकि गुरु नानक साहब एक कोई सिख धर्म के गुरु नहीं है ये इन्हों सारी दुनिया मनती है देशों विदेशों के सारी दुनिया हर धर्म के लोग गुरु नानक साहब न अपना पैगंबर मानते हैं। सो मैं समझदा कि यह डिसीजन बिहार सरकार का बिल्कुल गलत है और इस दे उत्ते उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके और इस नूं चेंज करना चाहिए और गुरु नानक साहब के गुरपुरब की छुट्टी जी एज़ इट इज़ बरकरार रहनी चाहिए है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गुरु नानक साहब के गुरपुरब की एक छुट्टी है पूरे साल के जे मैं गल करा सिख धर्म के नाल संबंधित तो केवल इको छुट्टी होंगी सी जी गुरु नानक साहब के गुरपुरब की सी और बिहार सरकार वालों उस छुट्टी खत्म कर देना ये कह के कि सरकारी काम का ज़्यादा हो मैं समझदा बहुत मंदभागी गल है। नीतीश कुमार जी जिन्हां नूं केंद्र सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का गुरपुरब मनाउण दी इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती सी और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल गुरपुरब मनाया जिन्नियां संगतां उत्थे गईयां उन्हां दा बहुत उन्होंने आओ भगत की बहुत वधिया अरेंजमेंट किए और सिख बड़ा इस गल का माण महसूस करते कि नीतीश कुमार जी ने सिखां दे प्रति बड़ा वड्डा एहसान है उन्हां दा। लेकिन ये गल अज जो छुट्टी कैंसल करनी ये मैं समझदा कि उस इस दे उत्ते उन्होंने दोबारा विचार करनी चाहिए है तुरंत क्योंकि गुरु नानक साहब एक कोई सिख धर्म के गुरु नहीं है ये इन्हों सारी दुनिया मनती है देशों विदेशों के सारी दुनिया हर धर्म के लोग गुरु नानक साहब न अपना पैगंबर मानते हैं। सो मैं समझदा कि यह डिसीजन बिहार सरकार का बिल्कुल गलत है और इस दे उत्ते उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके और इस नूं चेंज करना चाहिए और गुरु नानक साहब के गुरपुरब की छुट्टी जी एज़ इट इज़ बरकरार रहनी चाहिए है।